अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फरहान खान और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ नई नई वीडियोस प्रिंटर के ताल्लुक से और प्रिंट के ताल्लुक से। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं आपके लिए आज जो वीडियो लाया हूँ मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर कि आपको बटर पेपर, ट्रांसपेरेंट पेपर जिसे हम बोलते हैं, जिसका यूज हम करते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग में और ब्रास पर छपाई के लिए, यानी कि जो मैंने वीडियो बनाई थी ब्रास को लेकर कि किस तरीके से उस पर एचिंग होती है और किस तरीके से प्रिंट उठता है, उसके लिए हमें बटर पेपर यूज करना पड़ता है। दोस्तों ये नॉर्मल बटर पेपर नहीं है, ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि मैं आपको ये दिखा दूं कि नॉर्मल बटर पेपर नहीं है, यानी कि ये आसानी से फटेगा नहीं। एक तरीके से ये पीवीसी शीट है दोस्तों, आप इसका यूज करेंगे तो आपको एक तो प्रिंट बहुत शानदार मिलेगा, स्क्रीन आपकी बहुत शानदार मिलेगी, चाहे आप स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए इसका यूज करें या आप ब्रास पर प्रिंट के लिए इसका यूज करें। दोस्तों इसके अंदर खास बात यह है कि इस पे इतना शानदार प्रिंट आता है जिसकी वजह से स्क्रीन बहुत शानदार बनती है। आप सिर्फ एक कोनिका मिनोल्टे का 165E मॉडल ये ले लें जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप इंशाल्लाह महसूस करेंगे कि आपने वाकई बहुत बेहतरीन प्रिंट आउट निकाला है, यानी बहुत शानदार प्रिंट निकाला है। तो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि आप A3 साइज का इससे प्रिंट आउट किस तरीके से लेंगे और वो कितना शानदार आएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख सकते हैं बुर्ज अल अरब, तो आज हम इसे दोस्तों यहाँ प्रिंट करेंगे। ये हमारा A3 सिलेक्ट हुआ है, ये A3, ये हम इससे दोस्तों TP निकालेंगे, कंट्रोल P करते हैं दोस्तों हम यहाँ से, और ये हमारा सिलेक्ट हुआ है प्रिंटर कोनिका मिनोल्टा 165। और यहाँ से करंट पेज कर लेंगे और इसकी सेटिंग दोस्तों इस तरीके से आपको करनी है। हमने पहले यहाँ पर A4 था, यहाँ पर A3 सिलेक्ट किया और अब आप ये देखिए कि यहाँ पर भी हमने A3 कर दिया और यहाँ पर भी हमने A3 कर दिया, इसको खास तौर से देखिए। उसके बाद ऑटो है, यहाँ से हमें प्रिंट या तो लेना है ट्रे 1 पर या बाईपास पर। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप बाईपास पर जो TP होती है यानी उसका प्रिंट निकालिए और ट्रे के लिए आप A3 के दूसरे पेपर यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं लूंगा बाईपास और इसे प्लेन ही रहने देते हैं, या काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं लेकिन हमने जो प्रैक्टिकल किया है वो ये है कि आप इसे प्लेन रहने दें। और यहाँ से दोस्तों ओके दबाकर हम यहाँ से प्रिंट दे देंगे। तो दोस्तों ये देखिए कि कितना शानदार प्रिंट है, बहुत शानदार दोस्तों प्रिंट आया है। जिस तरीके से बड़ी मशीन पर, यानी कि एक तरीके से आपको लगेगा कि आपने लैब पर ये प्रिंट कराया हुआ है, बहुत ही शानदार दोस्तों प्रिंट आया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट में अपनी राय देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।